हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जीरो कॉस्ट कुछ ऐसे किचन ऑर्गेनाइजर शेयर करने जा रही हूं, जिसको आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बड़ी हुई बेकार चीज़ों के साथ ही बना सकते हैं और जिसमें आपको एक रुपये बिल्कुल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जरी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ मेटल की चूड़ियाँ, और ये जो हुक है वो मैंने एक चूड़ी को बीच से कट करके ही बनाया है। और इसी के साथ हमें चाहिए एक ऊन और एक सीज़र। ऊन की जगह आप कोई भी धागा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन धागा मजबूत होना चाहिए। और अब हमने जो मेटल की चूड़ियाँ हैं वो इस तरीके से हमने हैंगर के ऊपर रख देनी है। तो मैंने यहाँ पर 6 चूड़ियों का यूज़ किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, कोई भी एक थ्रेड लेना है और थ्रेड से हर चूड़ी को इस तरीके से हमने टाइट से बांध देना है। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से सेम आपने सारी चूड़ियों को ऊपर से बांध देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी चूड़ियों को ऊपर से बांध दिया है। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो बीच की साइड से भी हमने सारे धागे से चूड़ियों को बांध देना है टाइट से, ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से मैं बांध रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने भी यहाँ पर टाइट से इसको बांध देना है। एक्स्ट्रा जो धागा है इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी चूड़ियों को बीच से भी और ऊपर से बांध दिया है। और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ मैंने कहाँ पर किया है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है अपनी सारी चूड़ियों को यहाँ पर हैंग करने के लिए। तो आप भी इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, और आपकी जितनी भी चूड़ियाँ हैं आप इस तरीके से इसमें हैंग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हमें कहीं जाना होता है और जब हम अपनी चूड़ियों को ढूंढते हैं तो हमारी चूड़ियाँ एकदम से नहीं मिलती हैं हमें। लेकिन अगर हम इस ऑर्गेनाइज़र में अपनी सारी चूड़ियों को हैंग करके रख दें तो हमें कहीं जाने पर हमारी जो जितनी भी चूड़ियाँ हैं हमें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक जगह ही ये सारी चूड़ियाँ हैंग रहेंगी, तो हम इसको ईज़िली निकाल के वेयर कर सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीका अपनी सारी चूड़ियों को अरेंज करने का एक ही जगह पर। आई होप दोस्तों, ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, इस ऑर्गेनाइज़र का ना आप यूज़ एक और तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करिए, अगर आपके पास मेटल की पुरानी चूड़ियाँ पड़ी हैं तो इसको आप बीच से कट कर लीजिए और इससे आप हुक बना लीजिए। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए आपको बाहर से हुक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर बाहर से कोई भी चीज़ खरीदने वाले नहीं हैं। हम घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही ये ऑर्गेनाइज़र को बना के तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा एक बहुत ही बढ़िया ज़ीरो कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है, जिसको हम अपने किचन में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि हमने इसको कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो इस ऑर्गेनाइज़र को दोस्तों आप अपने किचन में कहीं पे भी हैंग कर दीजिए, और इसमें अपने किचन के सारे टूल्स आप इसमें हैंग कर सकते हैं, और ईज़िली इसमें सारे जो टूल्स हैं हैंग हो जाते हैं, बिल्कुल भी निकलते नहीं हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कैसे एक जीरो कॉस्ट में इतना बढ़िया किचन ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर लिया। तो चलिए फिर दोस्तों, एक और जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी आपको अच्छा लगेगा। दिया हुए मैं बनाने जा रही हूँ वो इस तरह के फूड कंटेनर से है। हमारे घर में इस तरह के फूड कंटेनर्स में फूड पैक्ड होकर आते हैं, तो इनको बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। लेकिन आज इनसे हम कुछ कबाड़ से जुगाड़ निकालेंगे। इससे हम किचन के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी एक नुकीली चीज़ ले लेंगे और उसको गर्म करके इसमें छोटे छोटे हम होल बना लेंगे। देखिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पे छोटे छोटे होल कर रही हूँ इसी तरीके से आपने होल कर देने हैं, और ऊपर की तरफ से आपने दो छोटे होल कर देने हैं, देखिए इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पे लेनी है कोई भी एक डोरी, या तो आपके पास जूट की डोरी है या ऊन की डोरी हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ऊन की डोरी पड़ी हुई थी, तो मैं इसका यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों छेद में अंदर की तरफ से ऐसे घुसा लेंगे इस ऊन की डोरी को, और अब हम ऊपर की तरफ से यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे टाइट से। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक गांठ लगा दी है, और इससे हमारा दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है ये तैयार हो गया है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। इसको हम सिंक के पास यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल की कैप लगा दी है डबल साइडेड टेप से, और अब हम इस ऑर्गेनाइज़र को यहाँ पे हैंग कर देंगे। और इस किचन ऑर्गेनाइज़र का यूज़ हम वेस्ट मटेरियल के लिए करने वाले हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम किचन में बर्तन धोते हैं और उससे जो भी जूठा निकलता है, सबसे पहले हम इस किचन ऑर्गेनाइज़र में इसको डाल सकते हैं, ताकि बर्तनों का जितना भी जूठा है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो सिंक की पाइप में बिल्कुल भी ना जाए और हमारी जो सिंक है वो बिल्कुल भी ब्लॉक ना हो।
सो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ ऐसे किचन ऑर्गेनाइजर जो हमने जीरो कॉस्ट में बना के तैयार किए हैं। आशा करती हूँ आज के सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।